प्रेज द लॉर्ड जेम्सी की, प्रभु आपका आशीष करे। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आमीन। हमने यहोशु की पुस्तक की शुरुआत की और यहोशु की पुस्तक जो है छठी पुस्तक है पुराने नियम की। हमने देखा कि परमेश्वर ने इज़राइलियों से जिस विषय के लिए वाचा बांधी थी वो विषय अब पूरा होने को है और लगभग मुहाने पर भी सारी सेना यानी कि पूरे इज़राइली लोग पहुँच गए। पर यहाँ पर एक अलग भाग शुरू होता है मूसा का। जब यहाँ जो है सफ़र समाप्त होता है, परमेश्वर ने कहा तू इससे आगे नहीं जाने पाएगा और तू जो है उस जगह नहीं पहुँच पाएगा। ठीक उनके समान जैसे उन्होंने पाप किया था, तूने भी गलती की है, इसलिए तू अब यहीं रहेगा। पर अब तेरे द्वारा अगला लीडर ज़रूर होगा। और उसके बाद आप जानते हैं यहोशू को खड़ा किया गया। पहले अध्याय में हमने देखा कि यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसके साथ फिर से वाचा बांधी, वाचा को फिर से रिन्यू किया है ना, दोबारा से वो जो एग्रीमेंट है वो फिर से रिन्यू किया गया परमेश्वर का और यहोशू के बीच में, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और इज़राइली उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को देखकर आनंदित हुए और उस पर भी भरोसा किया और उससे वाचा बांधी कि जैसा हम मूसा के पीछे चलते थे तेरे पीछे भी चलेंगे। और अब वही उसी के अनुसार शुरुआत हो रही है दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में कुछ खास बातों पर चर्चा हो रही है, मजेदार कुछ चर्चाएं हैं, आइए ध्यान देंगे। लिखा है दूसरे अध्याय के पहले वचन में, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई एक इसराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हैं। आज की रात कई लोग जो हैं, कई कुछ इसराइली जो हैं हमारे यहाँ पर जो हैं भेद लेने को आए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। अगर नोटिस किया जाए तो ध्यान दें, यहाँ पर ये राहब जो वेश्या है ये यरीहो की रहने वाली है और यरीहो के दुश्मन इसराइलियों की सहायता कर रही है। ये किसी और की अगर सहायता की जाए तो सीधे शब्दों में इसे क्या कहा जाएगा, किसी दूसरे देश के व्यक्ति की सहायता करो जो कि खासतौर से जासूसों की सहायता करो, तो सीधे सीधे शब्दों में ये एक देशद्रोह है। और राहब ने यहाँ पर जो है उनके साथ देशद्रोह किया है, और तब भी जब सैनिक आए तो उसने उन्हें उनको बताया नहीं। क्या उसने यह जानबूझकर किया था? क्या वो जानती थी कि क्या होगा, क्या होने वाला है? क्यों राहब ने ऐसा किया, क्यों उसने देशद्रोह किया? ये इतना बड़ा जो है मैं कहूँ कि देश के विरुद्ध इतना बड़ा कानून का उल्लंघन उसने क्यों किया? आइए इस पर वचन पढ़ेंगे। छठे पद में लिखा है, उसने उनको घर की छत के ऊपर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। आठ पद में लिखा है, ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है, ध्यान से सुनिए, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। हमने यह सुना है, हमने जाना है कि यहोवा परमेश्वर जो तुम्हारा है उसने कैसे लाल समुद्र का पानी सुखा दिया और जब तुम यहाँ पहुँचे तब जो है ये दो देश किस रीति से सत्यानाश कर डाले गए, हमने सुना है और हमें मालूम है, ये विश्वास भी है कि यहोवा परमेश्वर ने जो है तुमको यह हमारा जो देश दे दिया है। 11 पद, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। जब हमने ये सुना तो हमारा मन पिघल गया, मन जो हिया कि हम भी कुछ हैं, अब हम हमारे अंदर ये सब बातें नहीं रही। 11 पद, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। एक वैश्या स्त्री परमेश्वर की महिमा कर रही है, जिसने सारी चीज़ों को ताक पर रखा हुआ है और अपने आप को व्यभिचार और सब कुछ ज़िंदगी में रखती है। देखिए
व्यभिचार हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिना ऑप्शन वाली बात हो। मैं कहूँगा आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, लोग हैं जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, ज़बरदस्ती उनके साथ व्यभिचार का कारण होता है। वैसे ज़्यादातर तो यही होता है, ज़बरदस्ती। कई बार स्त्रियाँ ये जानबूझकर नहीं करना चाहती, कभी ना कभी तो ऐसा मोड आता है कि वो निकलना चाहे लेकिन निकल नहीं सकती। पर कुछ जगहों पर अनजाने में, या मैं कहूँ कि भले ये बिजनेस अगर ना बनाया हो, वो जानबूझकर या अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई करता है, तो उनके लिए आसान है वो सब कुछ निकल कर बाहर निकलना, वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये तब होगा जब वाकई में वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर समर्पित करके अंगीकार करें। लेकिन अगर कोई करना ही नहीं चाहता तो बात क्या। राहब के पास शायद ये समस्या नहीं थी, राहब ने अपने अंगीकार को यहाँ दिखाया है। आइए पढ़ते हैं, 12 पद में लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। ये बात राहब के साथ एक वाचा बांधी है। राहब ने कहा कि देखो, मैंने तुम पर भलाई की है, मैंने तुम पर एहसान किया है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, अब तुम भी मेरे साथ वाचा बांधो, तुम भी मेरे और मेरे घराने को, मेरे पिता का पूरा घराना, कोई भी भाई बहन सब सबके सब बचाए जाएं। तब उन्होंने कहा कि वाचा बांधी गई, अगर तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे, किसी को बता ना दे, तो तेरे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, मतलब हम तेरे प्राण की रक्षा करेंगे और तेरे लोगों की रक्षा करेंगे। दिस वॉज द देयर प्रॉमिस। फिर 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब राहब जिसका घर शहरपना पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है इसके विषय में हम तो निर्दोष ठहरेंगे, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इस घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। फिर 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे, परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। जो हुआ था दैट वॉज ब्यूटिफुल, बट यू नो वट, ये सब बातें घटना घटी तो क्यों घटी, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था, यहोवा का हाथ। परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाया, बचाया, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार किए और उन्हें खड़ा किया और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया, उनसे वाचा बांधी, वो सारे काम जो भी कुछ किए थे। परमेश्वर एक चीज चाहता था, पता है क्या? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब इस बात का एहसास कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसके लिए तुम धन्यवादित रहो, उसके लिए आदर से बने रहो और तुम उसके लिए बहुतायत से आशीष पाओ। परमेश्वर ने आशीष दी थी, परमेश्वर ने ना छोड़ा ना कभी त्यागा, परमेश्वर उनके साथ रहा। ये सब कुछ देखने के बावजूद हम देखते हैं कि इसराइली ने बार बार परमेश्वर को रिस दिलाई, बलवा किया। परमेश्वर यही चाहता है, और जो कुछ परमेश्वर ने किया, देखो इसराइली तो बार बार भूल गए, लेकिन मिस्र में जो घटना घट रही है
वो यरीहो के लोग सबको याद है और सबके मन पिघल गए, घबरा गए और वो चिंतित हैं कि हम तो मरे रे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यहोवा परमेश्वर उनके साथ है। बोले जिन लोगों ने उनके बीच में हाथ डाला है, जिन लोगों ने उनको तंग किया है, दो राज्य तबाह हो गए, सत्यानाश हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध और यहोवा की सेना के विरुद्ध काम किया था। दिस वॉज वेरी क्लियर। राहब को तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया और राहब के लिए शायद आसान रहा होगा, क्योंकि मैं कहूँ कि अब जो देशद्रोह करना आसान रहा होगा, क्योंकि उसे पता कि सब कुछ तो बर्बाद होने ही वाला है। उसको एक मौका मिल गया, ही गॉट अ गुड चांस। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, मैं कहूँगी परमेश्वर का अनुग्रह समझिए, कि ये लोग उसके घर आए और उसके घर आकर जब छुपे थे, जब सो रहे थे, तो उसने उन्हें छुपा दिया। ये उसके लिए मौका था उनकी जान बचाने का, ये मौका किसी और को नहीं मिला। और मौके पर उसने चौका लगाया और उसने अपनी और अपने पूरे घराने की जान बचवा ली। बहुत सिंपल रहा, चीज़ें ये है जितने यहोवा पे भरोसा रखेंगे। देखिए, एक अविश्वासिनी स्त्री है जिसके जीवन में काम हुआ है, और एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचार से भरी हुई है, जो ये अंगीकार कर रही है कि मैं जानती हूँ यहोवा तुम्हारा परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर है। आज हम अंगीकार कर रहे हैं क्या? हमारे अंगीकार के लिए महत्वता है मेरे प्रियो, परमेश्वर इसको देखना चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है, बस इतना ही। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। देखिए, जो वाचाएं मैंने और जो शिक्षाएं मैंने परमेश्वर की आपको पढ़कर सुनाई, जो बीते अध्यायों में हमने पढ़ा, व्यवस्था वरुण में पढ़ा, ये आज्ञाएं जो हैं सब की सब आज लागू नहीं है। ठीक है, सब की सब आज लागू नहीं है, इनको इन्हीं की तरह से लागू किया जाए। आप ये कहेंगे फिर कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी बीते दिनों में जब मैंने बात की थी भोज के बारे में ना, खाना खाने के बारे में, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों को खाने की अनुमति है, किन किन को नहीं है, कई लोगों के पास वो सवाल थे। मुझे मैसेजेस आए और मैसेजेस आने के बाद मैंने बहुत से लोगों को सुना और उनकी परेशानियाँ कि भाई हमें मांस मच्छी खाना है, तो मतलब अब क्या सुअर भी खा सकते हैं क्या? सुअर के लिए तो साफ साफ मना किया है। और मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का बलवा हो, लेकिन अगर आपके मन में सवाल है, कम शब्दों में मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। मत बोलिए कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप किसी और की मदद ले लीजिए। और चीज़ों के लिए भी तो मदद लेते हैं, पूछिए किसी से, पड़ोसी से, अपने बच्चों से, या किसी से भी बोलिए, आपका सवाल उनके द्वारा आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। फ़ोन करेंगे मुश्किल होगा, अगर इस समय मेरे पास जो कॉल अगर आ रहे हैं तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट करके बैठा हूं और मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा सकता। वैसे ही मैं किसी और समय में, मेरे पास दिन में बहुत सारे काम होते हैं तो मुश्किल होता है फ़ोन उठाना सबका, फिर ऐसे भी कुछ काम है जो रोज़ की जिम्मेदारी के साथ मुझे करने हैं। मेरी परिस्थितियों को समझिए और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आपके सवाल आएंगे। तो प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ। सच में यह आसान है। परमेश्वर के पास आओ उसकी उपस्थिति में और वह आपके पास आएगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए? अपने सारे पापों और दर्द को उसके पास लाओ। सब कुछ उसे पूरी तरह से समर्पित करो। वह आपको शुद्ध करेगा और जो भी कुछ गलत है उसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि देखो वो द्वार पर ही खड़ा है। उसका वचन सुनकर उसे दिल से बुलाओ, वह आपके दिल में आकर आपके साथ भोजन करेगा। आओ मिलकर पुकारें विजनरी टीवी और रेडियो पर।